गाइस ये है नई दिल्ली से बनारस के बीच में चलने वाली ट्रेन न्यू दिल्ली वाराणसी महामाना एक्सप्रेस। गाइस ये देखो मेरे आगे कौन सी कार जा रही है, और ये 76 CD1 मतलब किसी एम्बेसडर की कार है भाई साहब। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आज हम जा रहे हैं द्वारका किसी काम से। तो सुबह फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं सुबह के, और यार इतने जल्दी निकलने का मोटिव ये है कि यार ट्रैफिक कम मिलेगा, बिकॉज संडे भी है तो फटाफट पहुंच जाएंगे। प्लस आते आते अपन को शाम या रात हो जाएगी आने में। तो बाकी यार आज मैंने स्विमिंग करी थी सुबह, तो यार बहुत मज़ा आया स्विमिंग में। हमारी सोसाइटी का स्विमिंग पूल है, काफ़ी बड़ा है और खूब मतलब एक्चुअली मैं अभी स्विमिंग सीख ही रहा हूँ, मतलब मेरे को आती नहीं है स्विमिंग। तो आज जस्ट मेरा दूसरा दिन था, बिकॉज कल शाम से ही स्टार्ट हुआ था पूल, तो अभी तो मैं थोड़ा साइड से पकड़ पकड़ के कर रहा हूँ। बट एनीवेज बहुत मज़ा आ रहा है, उसके भी एक दो क्लिप्स मैं आपको डालूंगा इस ब्लॉग में। तो चलो भाई चलते हैं, गाड़ी अपन ने कर दी है स्टार्ट और करते हैं आज की इस जर्नी को शुरू। ये है नई दिल्ली से बनारस के बीच में चलने वाली ट्रेन न्यू दिल्ली वाराणसी महामाना एक्सप्रेस। सो गाइस ये देखो मेरे आगे कौन सी कार जा रही है, और ये 76 CD1 मतलब किसी एम्बेसडर की कार है भाई साहब। देख रहे हो कितनी जबरदस्त है यार, BMW i7 है भाई, और बहुत ही गजब कार लग रही है यार। भाई साहब व्हील बेस देखो यार, एक बार इसका कितना बड़ा है व्हील बेस, बहुत लंबा है यार इसका। सो गाइस मैं आ चुका हूँ द्वारका और गाड़ी कर दी है पार्क। तो चलो भी चलते हैं अंदर और अपना काम निपटाते हैं जिस काम के लिए आए हैं, और आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। और आने वाले कुछ व्लॉग में मोस्ट प्रोबेबली एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये मैं रिवील कर दूंगा कि मैं किस लिए आया हूँ, और काफ़ी बड़ा एक सरप्राइज़ होने वाला है कि क्या है यहाँ पे और क्या किस वजह से आया हूँ। तो चलो अभी चलते हैं, गाड़ी तो बड़ी अपन ने लगा दिया है यहाँ स्टिल्ट पार्किंग में, और फिलहाल अभी यहाँ कुछ ऐसा है लिफ्ट है उस साइड, तो चलो आपको अभी ऊपर चलते हैं और फिर काम निपटा के आते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। सो गाइज़ मैं द्वारका से निकल चुका हूँ और फिलहाल टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं एंड संडे है, तो यार आज बिल्कुल ऑलमोस्ट नाके बराबर ही ट्रैफिक हमें मिला है। प्लस मैंने अभी गूगल मैप्स भी लगाया हुआ है, तो उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है। और लास्ट टाइम यार मैं एक जगह फंसा था जाम में जस्ट घर से थोड़ा सा पहले, तो आज मैं सोच रहा हूँ यार वो वाला रास्ता अवॉइड करूँ और दूसरे रास्ते से जाऊँ, बिकॉज वहाँ पर यार मतलब मेरे को 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में ऑलमोस्ट 1 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लग गया था। तो आज मैं वो वाला रूट तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ, और बाकी चलते हैं अभी दिखाते हैं आपको कैसा क्या रहता है, तो मिलते हैं फिर। सो गाइज नोएडा तो एंटर हो चुके हैं, और यार संडे है बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला भाई, अनबिलीवेबल है। बिकॉज अगर आप किसी भी वीकडे में आते हो ना भाई साहब, मतलब दिल्ली क्रॉस करने में हालत बुरी हो जाती है यार, इतना ट्रैफिक खासतौर से वर्किंग डेज में। और सैटरडे को भी इनफैक्ट अगर जैसे मैं लास्ट सैटरडे आया था, उस दिन भी मेरे को अच्छा खासा ट्रैफिक मिला था, क्योंकि अब जैसे बैंक्स वगैरह हैं या कई कई ऑफिसेज खुले होते हैं सैटरडेज़ को। बट अभी संडे है तो यार एकदम मतलब स्मूथ है ट्रैफिक, कहीं रुकना नहीं, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं चला भाई। सो गाइज मैं घर पहुंच गया था और बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था यार आज एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज वीकेंड था। बट फिर भी यार नोएडा में मॉल्स वॉल्स में थोड़ा सा रहता है, बट उसका तो हल्का फुल्का था। बट एनीवेज
विदाउट एनी हसल मैं पहुंच गया था। और आज का दिन अपना काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सारे जो काम अपने प्लान्ड थे वो हो पाए आज। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बीच में ही बताया था कि एक आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले कुछ व्लॉग्स में आपको एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, और वो क्या सरप्राइज़ होगा वो जानने के लिए आप मेरे आने वाले व्लॉग्स से ज़रूर जुड़े रहें और आने वाले व्लॉग्स को बिल्कुल भी मिस ना करें अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो सरप्राइज़ क्या होने वाला है। बट मैं इतना आपको अभी ज़रूर रिवील कर देता हूँ कि वो सरप्राइज़ बहुत ही कुछ मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है भाई, जो कि अभी तक कभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो सरप्राइज़ देखने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे व्लॉग से। और तो वाइज आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, एंड आई होप आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम नहीं मिल पाएँ और आप जो सरप्राइज़ है वो जान पाएँ कि भाई क्या सरप्राइज़ आने वाला है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी एक बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है, धमाकेदार सरप्राइज़, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।